हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ, जिसे आप स्वेटर में, कार्डिगन में या कैप में डालकर बना सकते हैं। इसे आप जेंट स्वेटर में बनाइए, लाइट कलर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइन बनाना। इसके लिए स्टिचेस हम 6 के मल्टीपल्स में डालेंगे। देखिए, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस बनाई है, तो इसलिए मैंने 36 6 स्टिचेस के लिए प्लस 1 एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि यहाँ देखिए एक कम हुआ है, एक मैंने यहाँ उल्टा नहीं दिया है और यहाँ नहीं, तो इसलिए मुझे 37 स्टिच में मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। हम बैक साइड से इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक फंदे को उतार लेंगे और जो 5 फंदे में हमारे या 5 स्टिचेस के अंदर डिज़ाइन बनेगी, उसके हम पहले फंदे को लपेट लेंगे उल्टी साइड से, उल्टा बीनते हुए, और फिर हम 1, 2 एंड 3 इन स्टिचेस को भी उल्टा बीनेंगे। और अब हमारा ये 5वां फंदा डिज़ाइन वाला आ गया है, इस पर भी हम 3 टाइम्स लपेटेंगे, और उसके बाद फिर हम 6 जो नंबर का फंदा है, एक प्लेन रखना था, उसे हम प्लेन रखेंगे, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन को सेपरेट करेगा। फिर हम थ्रेड पीछे कर चुके हैं और अब हम 3 टाइम्स लपेट दिए हैं, और 1, 2, 3 स्टिचेस को हम बैक साइड से उल्टा बीन रहे हैं। और देखिए, अब हम डिज़ाइन वाली 5th स्टिच पे हैं, इस पे 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे हम, और फिर जो हमारा एक प्लेन फंदा है, इसे हम थ्रेड आगे करते हुए सीधा बीनेंगे, और फिर जो डिज़ाइन वाले 5 फंदे हैं उस पर हम लपेटेंगे पहले फंदे पे वाले पे, और 3 हम प्लेन उल्टा बीनेंगे, और चौथा जो फंदा है डिज़ाइन वाला, देखिए इस पर फिर हम लपेटेंगे। मीन्स 5 फंदे जो हमारे होंगे, उनमें हम 2 फंदों पे लपेटेंगे जो पहले होंगे और बाद वाले। देखिए, ये डिज़ाइन के फंदे हैं, जिसमें पहले पे हमने लपेटा है, 3 प्लेन बिना है, फिर ये लपेटा है, और जो 6ठा फंदा है वो हमारा सेपरेट करेगा डिज़ाइन को। इस तरह हम पूरी पंक्ति पूरी कर लेंगे। अब हम फ्रंट में आ गए हैं। फ्रंट में पहला फंदा उतारेंगे और जो फंदे हमने लपेटे उसे हम खोल लेंगे। खोलते हुए हम सीधा बुनेंगे, 2, 3, उस फंदे को नहीं बीनेंगे जिसे मैंने लपेटा था और अब खोला है, इसे हम स्किप कर देंगे इसी तरह। फिर देखिए, फिर हम थ्रेड को आगे करेंगे, वुलन थ्रेड को, और एक उल्टा फंदा बीनेंगे जो सेपरेशन का है। फिर हम उल्टा कर लेंगे धागे को, मीन्स पीछे कर लेंगे, और फिर इसको स्किप करेंगे जो डबल लपेटे, हर समय हमें उसे छोड़ देना है खोलकर, और बाकी जो सीधे 3 फंदे आगे से दिख रहे हैं उसे हमें सीधा बीन लेंगे। फिर हम थ्रेड आगे करेंगे और इस उल्टे फंदे को बीनेंगे, फिर थ्रेड पीछे कर लेंगे और ये जो लपेटा हुआ फंदा उसे खोलेंगे, और बाकी जो 3 प्लेन फंदे हमें दिख रहे हैं आगे से सीधे, उसे हम सीधा ही बुनेंगे और लपेटे हुए फंदे को खोल लेंगे। अब हमें जो साइड में ये दिख रहा है उल्टा, उसे हम उल्टा बीनेंगे और अपने इस फंदे को खोलेंगे, और जो 3 सीधे हैं उन्हें हम सीधा बीनेंगे, और अब ये फंदा हम खोलेंगे। अब देखिए, हमारा एक उल्टा दिख रहा है, इसे हम उल्टा बीनेंगे। पीछे की भी पंक्ति में यही करना है,
जो फंदे हम खोले रहेंगे उसे हम नहीं बीनेंगे, बाकी फंदों को हम बीनेंगे ठीक उसी तरह जैसे हमें फंदे दिखाई देंगे। अगर आगे हमें उल्टे दिखाई दें पीछे की सेकंड रो में तो उसी तरह बीनेंगे, थर्ड रो में भी फंदे जैसे दिखेंगे हमें उसी तरह हमें रेगुलर बीनना है। मैं ये पंक्ति पूरी कर दूं, फिर आपको थर्ड रो बताऊं। देखिए अब हम थर्ड रो में आ गए हैं, ये फंदा उतार देंगे, सेकंड भी हमें उतारना पड़ेगा क्योंकि ये हमने बीना नहीं है, स्किप किया हुआ फंदा है, और ये जो तीन फंदे हैं हम इसे उल्टा बीनेंगे। देखिए फिर हम ये फंदा उतार देंगे और हमें इसे सीधा बीनना है, तो धागा आगे करेंगे, सीधा बीनेंगे, फिर अपने थ्रेड को हमें पीछे करना होगा और इस फंदे को उतारना होगा, और फिर जो तीन पीछे से हमें दिख रहे हैं उल्टे उनको हमें उल्टा ही बीनना है। हमने बताया था कि जो हम स्किप करेंगे उसे हमें नहीं बीनना है, और ये जो आगे से सीधा दिख रहा है हमें इस तरफ से कि उल्टे की तरफ थर्ड रो में, उसे हम सीधा बीनेंगे एक फंदा, और ये उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे और बाकी तीन फंदों को उल्टा बीनेंगे। इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट करके फ्रंट में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी फोर्थ रो में। फोर्थ रो में भी हमें स्किप फंदे को स्किप करना है, ये पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए ये छोड़ा हुआ फंदा है और हम इसे सीधा बीन लेंगे। बाकी जो तीन फंदे हैं हमारे, ये मैंने अक्सर बताया डिज़ाइन वाले में तीन फंदे सीधे, ये दो स्किप किए हुए और एक फंदा उल्टा, जिसे हम डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए बनाए हैं। फिर थ्रेड मैंने पीछे किया और उतार लिया जो स्किपिंग फंदा है, और हम तीन स्टिचेस देखिए बीन लिए इस तरह, फिर ये उतार लिए, फिर हम थ्रेड आगे किए और इसे उल्टा बीने। इसी तरह हम पूरी पंक्ति बीन लेंगे। अब हम फिफ्थ रो में हैं, एक फंदा उतारेंगे और जो स्किप वाला फंदा है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, और फिर तीन फंदे को हम उल्टा बीनेंगे, और ये हमारा उतारा हुआ फंदा उसे हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बीनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक उतार लेंगे, तीन उल्टा बीनेंगे, और फिर बिना उतारा हुआ फंदा जो है बिना हुआ उसे उतार लेंगे, फिर एक सीधा बीनेंगे। इसी तरह पूरी पंक्ति पूरी कर लेंगे। अब हम सिक्स्थ रो में आ गए हैं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में देखिए ये जो आगे का बिना बुना हुआ फंदा है उसे हम पीछे करेंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे करेंगे। देखिए पहले हम इसे ले रहे हैं, फिर इसे उतार दीजिएगा एक बार, और एक दो तीन इन फंदों को लीजिए, और जो ये वाला फंदा पीछे वाला उसे आप आगे कर लीजिए। और इसमें ही करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सीधा बीनेंगे, जो पीछे वाला है उसे पहले बीनेंगे, फिर दूसरा फंदा, फिर तीसरा फंदा, फिर चौथा, आखिरी में हम आगे वाले फंदे को बीनेंगे क्योंकि इसे पीछे किए थे। ये देखिए क्रॉस डिज़ाइन आ गई। अब हम थ्रेड को आगे करके इसे उल्टा बीन लेंगे, जो सेपरेशन वाला फंदा है, फिर हम इस फंदे को देखिए गिरा देंगे नीचे की तरफ, और ये भी गिरा देंगे पीछे वाले को, और हम इसे आगे वाले को पीछे कर लेंगे, और बाकी जो तीन फंदे हैं देखिए इन्हें हम इस वाली सिलाई में डाल देंगे जिसमें ज़्यादा फंदे हैं बिना बुने हुए, और अब हम इसे फ्रंट में कर ले रहे हैं। आप इसी तरह करते हुए अपनी डिज़ाइन को पूरा करेंगे। देखिए 1 2 3 हमने सीधा बिना, ये
ये फोर, ये फिफ्थ नंबर फंदा है जो हमारा इतना लपेटा हुआ है। देखिए इसमें ये क्रॉस वाली डिज़ाइन बनेगी और अब फिर हम एक उल्टा बीन लेंगे। अब हम इसे उतार दे रहे हैं और बाकी तीन को भी सिलाई चेंज करना है, फंदे गिर सकते हैं इसलिए इसमें लाए हैं हम। और इस वाले फंदे को हमने देखिए यहाँ कर दिया है और ये फंदा हम पहले ही सिलाई पे उतार लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को उतारेंगे क्योंकि ये फंदे बिना बुने हुए हैं ये थोड़े बड़े हैं और जो बुने हुए फंदे हैं वो छोटे हैं तो गिरने की आशंका रहती। अब हम इसे आगे कर लेंगे और देखिए थ्रेड को आप पीछे करेंगे अपने और ऐसे ये फर्स्ट बीनेंगे, देन ये सेकंड बीनेंगे, प्लेन वाला थर्ड बीनेंगे, फिर फोर्थ बीनेंगे, मींस तीन प्लेन, और ये फिफ्थ में हमारा जो स्किप किया हुआ फंदा है ये जिगजैग वे में आती जाएगी ये डिज़ाइन देखिए। फिर हम उल्टा बीनेंगे, फिर इस फंदे को गिराने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये धीमे से फिर आप तीन फंदों को अपनी इस वाली सिलाई में पलट लीजिए और ये फंदा भी आप क्या करेंगे इसे छोड़ दीजिए और ये जो पहला फंदा इसे इस सिलाई में उतारिए और बाकी तीन बिना बुने वाले फंदे को यहाँ उतार लीजिए और जो ये फंदा है हमारा ये फर्स्ट में आ जाएगा। इसे हम सीधा कर लेंगे अगर टेढ़ा होगा, क्योंकि देखिए ये टेढ़ा होने से ऐसी बुनाई आएगी, आप इसे सीधा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद पहले वाले फंदे को बीन कर तीन बिना बुने फंदे बुन लीजिए और फिर ये बिना बिना हुआ। इस तरह हम पूरी पंक्ति पूरी करेंगे और फिर बैक साइड से आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी फिर हम क्या करेंगे। बैक साइड में फिर हमें अपने फंदे को सेम उसी तरह लपेटना है जैसे पहले लपेटे थे और लपेट कर उसी तरह हमको पांच पंक्तियां बिन लेनी हैं। फिर हम आपको जो छठी पंक्ति आएगी उसमें फिर हमें चेंज लाना है थोड़ा, मैं बताऊंगी। ये देखिए मैंने ऊपर फिफ्थ रो और कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन के बाद, क्योंकि आपको इसको मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे करें हम। ये जो आगे वाला फंदा है अब हम इसे पीछे करेंगे, पहले ये पीछे वाले को आगे लाएंगे। इसमें ये याद रखेंगे कि ये वाला चीज़ ऊपर आना है तो इसके लिए हम इसे देखिए कैसे करेंगे दिखा रहे हैं। ये मैंने उतारा देखिए टोटल, इसे मैं पहले लूंगी अब, इसे मैंने पहले ले लिया और फिर उसके बाद हम तीन फंदे को यहाँ कर लिए और इसे यहाँ कर दिए देखिए ये। तो अब जो हुई हमारी डिज़ाइन इस तरह मुड़ेगी, मैं दिखा रही हूँ आपको। अगर फंदा आपको लगे कि ये जो लंबा वाला है टेढ़ा हो रहा है तो आप उसको सीधा कर लिया करिए और ये मैं सीधा बीनूंगी देखिए इसे, 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 और ये। अब आप देख रहे होंगे कि जो फंदा नीचे की तरफ था वो नीचे ही है, क्योंकि ये देखिए ये इधर गया फिर चेन ऊपर खड़ी हो गई फिर यहाँ आ गई। अगर हम इसको पलट देते तो हमारी डिज़ाइन की खूबसूरती ख़त्म हो जाती, इसलिए मैंने आपको सोच